तो हाय गाइस, पुनीत इज बैक विद न्यू सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि आप बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हो NX80 के साथ में। तो अगर आपके पास NX80 है कैमरा, जो वन ऑफ दी पावरफुल पाम कैमकॉर्डर है सोनी के साइड में, तो इसमें आपको दो तरीके से बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन मिलता है। तो उस तरीके को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में, लेट्स गेट वी स्टार्टेड। सोनी का ये वन ऑफ द गुड कैमरा है। इसके अंदर आपको 1 इंच का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि कन्वेंशनल कैमकॉर्डर के सेंसर से बहुत बड़ा है, और साथ में ज़ाइस लेंस का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इसकी जो कलर सेचुरेशन है और जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। इस कैमरा में आपको देखने को मिलेगा 12x का ऑप्टिकल जूम, जो कि एक बहुत ही डिसेंट जूम है अगर आप चाहते हो दूर के सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करना। और क्योंकि इसमें 26mm का फोकल लेंथ है, तो आप वाइड एंगल भी बहुत अच्छा शूट कर सकते हो। इस कैमरा में आपको दो तरीके से आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। जो पहला तरीका है वो है मिनिमम फोकस डिस्टेंस और मैक्रो ऑप्शन। इस कैमरा में आपको मैक्रो, हाँ बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं, मैक्रो शूटिंग का ऑप्शन दे रखा है। तो आप क्लोजअप्स शूट करके और बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, बिकॉज ऑफ इसका जो मिनिमम ऑटो फोकस डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, और ये 2.8 लेंस के साथ में आता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं हम पहले कि कैसे ये बैकग्राउंड को ब्लर कर सकता है मैक्रो के अंदर। क्या पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। मेरे हाथ में अभी ये मेरे हाथ में एक रिंग है, जो कि आप देख रहे होंगे ये गोल्ड की रिंग है मेरे हाथ में। तो आपको करना क्या है, बिकॉज ऑफ इस कैमरा का मिनिमम ऑटो फोकस डिस्टेंस है बहुत कम, और ये कैमराज हाइब्रिड ऑटो फोकस और टच स्क्रीन के साथ में आता है। तो आपको जस्ट ऑब्जेक्ट कैमरा के सामने लेके आना है, जैसे कि मैं अभी रिंग को कैमरा के सामने लेके आ रहा हूँ, और टच करना है मुझे रिंग के ऊपर। जैसे मैं टच करूँगा रिंग के ऊपर, मेरा जो रिंग है वो ऑटो फोकस के अंदर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ऑटो फोकस हो गया और कितना अच्छा डिसेंट बैकग्राउंड ब्लर इसने मुझे बना के दिया है। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर इस वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, और कितना ही शार्प और कितना ही प्लीजेंट लग रहा है आइज़ को बैकग्राउंड ब्लर। तो आपको ये ट्रिक अजमानी होगी कि बस आपको अपने कैमरा के सामने इसे लेके, आपके कैमरा के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ला रहे हो तो जस्ट उसे पास में ले आइए, तो इससे बैकग्राउंड ब्लर कर देगा मैक्रो के ऊपर। इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप अगर क्लोजअप शूट्स करना चाहते हैं, क्योंकि हम वेडिंग शूट करते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली रिंग का वीडियो भी बनता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास मैक्रो लेंस नहीं होते और हम जूम करके दूर से उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर सब तो इस सिचुएशन में आपको अच्छा बोके इफेक्ट और जो वाइड एंगल वाला प्रोस्पेक्टिव होता है वो नहीं मिल पाता। इस कैमरा में आपको वाइड एंगल के ऊपर ही बोके इफेक्ट क्रिएट करके देगा ये मैक्रो के अंदर, तो वन ऑफ द गुड ऑप्शन है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव शूट किए जा सकते हैं मैक्रो से, बिकॉज ऑफ हमारे पास लेंसेज नहीं होते तो हम मैक्रो कभी शूट नहीं करते वीडियोस। पर इससे आप बहुत अच्छे डिसेंट इफेक्ट्स को शूट कर सकते हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट के अंदर। आप बस अगर आपको किसी लड़की के कान के झुमके का वीडियो बनाना है तो आप पास में आइए जाइए और झुमके का वीडियो बना लीजिए। लड़की की आँख का वीडियो बनाना है, लड़की के सर के बुंदे का वीडियो बनाना है, कोई भी क्लोजअप पार्टिकल का वीडियो बनाना है, तो इससे पॉसिबल है इस कैमरा से, बिकॉज ऑफ इसमें मैक्रो का ऑप्शन दे रखा है। दूसरा जो ऑप्शन है बैकग्राउंड ब्लर करने का, वो कन्वेंशनल ऑप्शन होता है। आपको आपके सब्जेक्ट से बैकग्राउंड में डिस्टेंस होना चाहिए। सब्जेक्ट है ये मेरा रिंग है, ठीक है, और इस रिंग को मैंने यहाँ टेबल पे रखा है, अभी मेरे ख्याल से वो कैमरा में नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप इस सिचुएशन को देखें, नाउ ये सिचुएशन है, ये मेरा कैमकॉर्डर है मेरे हाथ में और रिंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है, और अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में भी मेरे पास गैप है, बिकॉज ये मेरा बैकग्राउंड है, इसके पीछे कोई दीवार नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट, लेंस यानी कैमरा और बैकग्राउंड के बीच में डिस्टेंस है, तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आप बैकग्राउंड को ब्लर नहीं कर पाएंगे। मैंने यहाँ रिंग प्लेस करी हुई है, ये मेरा कैमरा है, अब मैं इससे शूट करूँगा वीडियो और देख पाऊँगा कि कैसे बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं मैं एक नॉर्मल फोकल डिस्टेंस के ऊपर हूँ और आपको इतना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर नहीं देखने को मिल रहा। तो जैसे ही मैं अपने पहली बात तो कभी भी वाइड एंगल सिचुएशन में बैकग्राउंड नहीं ब्लर होता, आपको टैली करना होगा या जूम करना होगा अपने सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैंने अभी बिल्कुल टैली कर दिया है और आप देख पा रहे हैं कैसे बिल्कुल अच्छा सा बैकग्राउंड ब्लर मुझे मिल पा रहा है मेरी रिंग के पीछे। अब वॉल अगर जस्ट पीछे ही होती तो बैकग्राउंड नहीं ब्लर हो पाता। अब वॉल के पीछे और सब्जेक्ट के पीछे डिस्टेंस था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से पॉसिबल हो पाया कि बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है।
दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी होती है कि वाइड एंगल पे आप कभी भी बैकग्राउंड ब्लर का इफेक्ट नहीं ले पाएंगे। देखिए अभी मैं वाइडर और फोकल लेंथ पे हूँ पर बैकग्राउंड इतना अच्छा ब्लर नहीं हो रहा। आपको जूम करना पड़ेगा जितना ज़रा हो सके, आप अपना ऑप्टिकल जूम को बढ़ा दीजिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप अपने बैकग्राउंड ब्लर के इफेक्ट को ले पाएंगे। बिकॉज ऑफ ये फंडामेंटल चलता है कि एटलीस्ट आपका जो फोकल लेंथ है वो अबाउ 50 mm होना चाहिए। अगर 50 mm से ऊपर आपका फोकल लेंथ नहीं होगा तो आप बैकग्राउंड इफेक्ट का मज़ा नहीं ले पाएंगे, बैकग्राउंड ब्लर के इफेक्ट का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो एटलीस्ट आपके डिस्टेंस आप एक तो सबसे जब आप बैकग्राउंड ब्लर करते हो तो आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती है अगर आप एक नॉर्मल कैमरा से ही वीडियो शूट कर रहे हो। तो पहले तो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपके कैम आप जब कैमरा चला रहे हैं तो आपका जो फोकल लेंथ है वो जूम मतलब टेली होना चाहिए, जूम होना चाहिए मतलब 85 या 50 mm से अबव होना चाहिए। तो आप जूम करके रखें, अगर आप वाइड एंगल पे शूट कर रहे हैं तो आप कभी भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर पाएंगे। तो ये दो आसान तरीके हैं बैकग्राउंड ब्लर करने के। मेरे को इसलिए पसंद आता है कैमरा बिकॉज इसमें मैक्रो का ऑप्शन दे रखा है और मैं बहुत क्लोजअप सब्जेक्ट्स के जा करके बैकग्राउंड ब्लर अच्छे से कर पाता हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं कैसे बैकग्राउंड ब्लर करें और आपको अभी तक इस ट्रिक के बारे में नहीं पता तो आप जरूर हिट करिए लाइक बटन को, साथ ही में अपने साथियों को इसको शेयर करिए ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि कैसे बैकग्राउंड ब्लर होता है। और इसके अलावा कमेंट करिए बिलो सेक्शन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक, तो आप मुझे वहां जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून स्टे रॉक।